ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो जो है ना बस कंप्लीट वॉच कर लेना एंड आपको मैं सिखाऊंगा कि गाइस आपको मतलब कैसे एडिट करना है एंड आपको एकदम इजी स्टेप में सिखाऊंगा। तो आप लोग बस वीडियो ध्यान से देखना, बाकी आप जो है मतलब एडिटिंग करोगे तो आपको एकदम इजी स्टेप आप एकदम कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैंने जो यहाँ पे मॉडल का बैकग्राउंड है पहले से इरेज कर रखा है, ताकि गाइस मैं आपको वीडियो में ना बताऊँ, ताकि मतलब वीडियो जो लंबी हो जाएगी अगर बताऊंगा तो। बट गाइस अगर आप लोग जानना चाहते हो मैंने बैकग्राउंड कैसे इरेज किया, तो गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो चार वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो भी बैकग्राउंड रेस के ऊपर है सिर्फ, वो दो चार वीडियो, तो आप लोग उस उनमें से कोई भी वीडियो को जाकर वॉच कर लेना, आपको इजीली उसमें समझ आ जाएगा कि आपको बैकग्राउंड कैसे रेस करना है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ गाइस, जब आप अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस आपका जो मॉडल है वो साइड में जो गाइस वो वॉल है उसके पास आपको यहाँ पे अपने मॉडल को खड़ा करना है। एंड यहाँ पे गाइस मतलब कि कोई फिक्स मतलब पोज नहीं है कि आपको यही पोज करना, आप जैसा मर्जी चाहो पोज आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने मॉडल को रखना है एंड उसके बाद इसमें थोड़ा सा कुछ पार्ट्स जो मेरे को रेस करने, तो मैं उसको यहाँ पे रेस कर लेता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, आपको जाना गाइस यहाँ से ऐड फोटो में एंड यहाँ पे बनाना आपको अपने मॉडल के नीचे शैडो, ठीक है, क्योंकि इस मॉडल ऐड करोगे तो शैडो तो चाहिए ही चाहिए ना। तो अब शैडो ऐड करने के लिए आपको करना, आपको जाना ऐड फोटो में एंड आपको यहाँ पे मिलेगा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन, आपको ब्लैक कलर का ये जो बैकग्राउंड है ये लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका साइज फुल करना है एंड इसको आपको अपने वहाँ नीचे की तरफ ले जाना है एंड इसको जो है गाइस आपको मूव डाउन कर देना है, ठीक है। एंड इरेजर टूल में जाकर आपको उसको इन्वर्ट कर देना है एंड जो ब्रश का साइज है वो अपने अकॉर्डिंग रखना है। फिर आपको अपनी फोटो को यहाँ पे जूम करना है एंड उसके बाद जो है गाइस आपको नीचे की तरफ आपको शैडो बनानी है। मतलब गाइस यहाँ पे जो है शैडो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, और कई लोग जो है ना मतलब ड्रॉ टूल से एंड ऑटोडेस्क स्केचबुक से भी बनाते हैं, तो आप लोगों को जहाँ से अच्छा लगे गाइस आप वो लोग वहाँ से बना लेना, कोई जरूरी नहीं कि मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसे ही शैडो बनाओ। बट गाइस आप लोगों को बस एक चीज़ करनी है, बस आपके फोटो में ना शैडो होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी हमारी यहाँ पे शैडो भी बन चुकी है, हमने ओपेसिटी वगैरह यहाँ पे कम रख ली अपनी फोटो की, तो अब यहाँ पे कहे कि हम इसको कर लेते डन। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको जाना अगेन ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ पे ऐड करना आप सभी को एक विग्नेट का पीएनजी, ठीक है। ये वाला विग्नेट का पीएनजी जरूर ऐड करना आप सभी को, क्योंकि इससे जो एक डार्कनेस आएगा नीचे की तरफ एंड फोटो जो मैं जो है अच्छा सा लुक आएगा, तो आपको यहाँ पे डन कर देना। अब गाइस देखिए हमारा जो यहाँ पे इतना काम है वो हो चुका है, तो अब एक पार्टिकल का पीएनजी भी लगा लेता हम इसमें, तो ऐड फोटो जाके ले लेता हम इसे, ठीक है। गाइस सारे बैकग्राउंड पीएनजी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना बाद में आराम से, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे गाइस देखिए आपको क्या करना, आपका अभी ब्लेंडिंग मोड मिलेगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है एंड स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है इसको, ठीक है। एंड इसको ऊपर की तरफ रखना है एंड इसको कर देने के बाद आपको सिंपली कर देना है डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को डन। ओके सो अब यहाँ पे अपनी फोटो को यहाँ पे आपको सेव कर लेना है एंड इसको गाइस क्या करना है, आपको इसको लेके चलना है यहाँ पे यहाँ से लाइट रूम ऐप में एंड गाइस लाइट रूम ऐप में जाने के बाद आपको जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है गाइस इसका यहाँ पे उसको कम कर देना है एंड जो हाइलाइट्स है इसको भी यहाँ पे कम कर देना है, जो शेडोज़ है इनको इंक्रीज कर देना है, जो व्हाइट है गाइस इसको यहाँ पे कम कर देना है, ब्लैक है जो इसको इंक्रीज कर देना है। फिर आपको जाना से कलर्स में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर जो इसकी वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में टेम्परेचर है इसको यहाँ पे कम कर देना है। फिर आपको जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर येलो कलर में जाना अगर आप चाहो बैकग्राउंड का कलर, तो अगर आप ऑरेंज भी रख सकते हो बट मैं यहाँ पे येलो ही रखूँगा, ठीक है, तो ह्यू प्लस कर दूंगा और सैचुरेशन भी। फिर जाएंगे डार्क ब्लू में, इसका सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देंगे एंड उसके बाद कर देंगे डन। फिर जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, यहाँ पे हम फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देंगे, फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देंगे एंड इसके नीचे मिलेगा आपको ग्रेन माउंट, हम इसको भी बढ़ा देंगे एंड उसके बाद जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस है जो हम इसको इंक्रीज करेंगे एंड इसमें जो नोटिफिकेशन हम इसको बढ़ा देंगे एंड इसके नीचे जो कलर नोटिफिकेशन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो बस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।